दोस्तों पिछले वीडियो में जर्सी गांव के शिखर के कलश की डिजाइन देखी थी और आज हम पंचकुला वाले शिखर के कलश की डिजाइन देखेंगे। तो ये हमने कैसे जोड़ी, कैसे बनाई, ये सारी चीजें बताऊंगा वीडियो में। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DS मंदिर निर्माण। इस चैनल पर दोस्तों मंदिर निर्माण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के वीडियो डाले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस शिखर के टाप को बंद करने के लिए इस प्रकार से ये हमने सरिये बांधे हैं और ये इस ऐसे बांधे हैं कि एक ईंट इसमें सुरक्षित पूरी रखा जाए। दोस्तों दो सरिये पास पास में इसीलिए है कि ईंट पूरी तरह व्यवस्थित बगैर हिले इसमें रख सके। और ये ऊपर से हमने इस पर हल्का हल्का बालू का प्लास्टर कर दिया है और फिर ये एक बीच में एक सरिया खड़ा करा है। दोस्तों ये नीचे प्लस के आकार में वेल्ड करवा लिया ताकि ये सांवल में खड़ा हो सके और हम अब ये पूरी जाल बांध देंगे। और ये पूरी जाल हमने 6 इंची सेंटर से बांधी है। यदि टाप चौड़ा हो ज़्यादा तो आप इसको 4 इंची सेंटर से बांध सकते हैं। ये चढ़ने के लिए एक स्टेयर और एक ये सरिया पाइप के लिए हमने लगा दिया है जो झंडी का पाइप इसमें लगाएगा। और ये दोनों तरफ तीनों तरफ से सेंटरिंग लगा दिया है। चारों तरफ से सेंटरिंग लगाने के बाद फिर इसमें कंक्रीट भरना हम स्टार्ट करेंगे। कंक्रीट की मोटाई दोस्तों लगभग हम इसमें 6 इंच भरेंगे। तो आप ये कंक्रीट इसमें भरा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे और इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगी। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप हर वीडियो देख सकेंगे। तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी शिखर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों ये पूरा कंक्रीट वर्क हमारा हो रहा है और इसको टॉप को हमने बिल्कुल इस प्रकार फिनिश कर लिया। अब मेन काम आता है इसके कलश या गजरा जो भी आप बोलते हैं उसकी, इसके ऊपर चुनाई स्टार्ट होगी। तो ये जो सेंटर का सरिया है ये हमारा नपटी का स्त्रोत रहेगा क्योंकि ये सेंटर में सांवल में खड़ा किया है। बस इससे नाप के हमें ईंटें रखनी है। तो जैसे हम ये ईंटें रख रहे हैं तकरीबन इसमें 13.5 इंच के समथिंग दूर रख रहे हैं और ये खड़ी ईंटें लगाई है हमने 4.5 इंच में। इसके बीच की गैपों में और टुकड़े लगाकर इसे पूरा सर्कल का आकार हम दे देंगे। तो पहले इसको नाप के हम चारों तरफ से बराबर करते हैं और उसके बाद इस पे एक रद्दा और लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए वो एक रद्दा भी इसमें लगेगा। पहले ये टुकड़े लगाते हैं, जर्मन भैया लगा रहे हैं और आप जर्मन भैया से परिचित भी हैं और जो परिचित ना है वो पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये पूरी सर्कल लग रही है, फिर एक रद्दा और लगेगा और ये पूरा देखिए अब आप ये पूरा लग गया है। बीच में टुकड़े लग गए हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है। और इसमें मसाला भर के इसके जॉइंट भरेंगे। जॉइंट भरने के बाद इसमें आगे की प्रोसेस होगी दोस्तों। तो ऐसे हमने दो रद्दे लगाए, एक ये चपटी ईंटें लगा दी, ये ईंटें 3 इंच में लगी है, 3.25 इंच है इनकी हाइट। तो ये हमारी टोटल इस प्रकार से हाइट हो गई। और अब वापस इसके बीच की गैपों में फिर हमें टुकड़े रखने पड़ेंगे ताकि हमारी गोलाई आराम से और व्यवस्थित सही ढंग से बन पाए। दोस्तों ये वीडियो दो हिस्सों में बनेगा। एक हिस्से में मैं आपको इसकी चुनाई बताऊंगा और दूसरे हिस्सों में इसकी सारी डिजाइन में बताऊंगा। और यदि दूसरे हिस्से का वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं उसे दो हिस्सों में फिर कर दूंगा। तो हो सके 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो आए। तो ये आप जो देख रहे हैं पार्ट 1 है दोस्तों। अब हम इसमें बीच में जो हमने खरबूजे की फाँक या लहसुन की फाड़ कह सकते हैं उसका शेप देना है हमें। तो उसके लिए हमें ये ईंटें थोड़ी बाहर करके निकालनी है और इनको निश्चित दूरियां बराबर बांट के और फिर बांट के लगानी रहेगी। और बीच के पार्टीशन में फिर इसके हिस्से होंगे। ऐसे इसी प्रकार से सारे इसमें भाग बांटते हुए सारी पतली ईंटों को हमने इसे लगा रहे हैं। नीचे की साइड से इनकी थोड़ी छील दी है ताकि हमारी पर्याप्त गोलाई नीचे भी मिल सके। और सभी ईंटों को छीली है और छील के ने इसका पूरा काम कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। स्किप करोगे तो चीज़ें छूट जाएगी। फिर आप कमेंट्स करोगे कि ये हमें समझ में नहीं आया। ये देखिए बराबर दूरी नाप रहे हैं दोनों तरफ से। इस एक ईंट की दूरी ज़्यादा महत्व रखती है
उसके बाद बीच की दूरियां आसानी से अपन नाप सकते हैं। बस ऐसे ही नाप के ये सारी दूरियां लगेगी इसके अंदर और ये ऐसे लग जाएगी दोस्तों। और इसके हमने जॉइंट भर दिए, जॉइंट भरकर इसके ऊपर वापस से लेवल में हमने मसाला बिछा दिया और फिर दूसरी ईंटें हमने पीछे हटाकर लगाना स्टार्ट कर दी। अब जैसा जैसा हमको आकार चाहिए वैसा वैसा इसमें वर्क होता रहेगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आकार तो हो गया है और हमने ये चारों पतली ईंटें सरिये से चारों तरफ बराबर नाप के तार से बांध दिए, बांध के इसमें मसाला भर दिया है और बाहर से भी मसाला छाप देंगे। तो दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों को इसका सारा फिनिशिंग का वर्क देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।